सुसाइड और मर्डर इस नाम से एक फिल्म बन रही है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। कौन बना रहा है ये फिल्म और इस फिल्म में कौन से लीड एक्टर हमें नजर आएंगे, चलिए आपको बताते हैं। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर एक फिल्म बनने जा रही है। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी लाइफ को दर्शाएगा नहीं ये फिल्म, बल्कि 14 जून की कहानी दिखाई जाएगी। जी हाँ, ये एक ऐसी फिल्म होगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ 14 जून को आखिर क्या हुआ ये कहानी दिखाई जाएगी। मैं बता दूं आपको कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं शेखर गुप्ता और इस फिल्म में जो एक्टर हमें नजर आने वाले हैं वो होने वाले हैं एक टिकटॉकर। जी हाँ, एक टिकटॉकर है सचिन तिवारी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक हैं, उन्हीं की तरह दिखते हैं और कहीं ना कहीं उनका फेस कट जो है सुशांत सिंह राजपूत से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस फिल्म में सचिन तिवारी को लिया गया है। मैं बता दूं कि इस फिल्म का पोस्टर भी आउट हो चुका है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में तकरीबन 35 से 36 लोगों को इंटेरोगेट किया गया है, जिसमें आदित्य चोपड़ा से लेकर संजू लीला बंसाली से लेकर शानू शर्मा, मुकेश छाबड़ा, संजना सांगवी, इस तरह के तमाम लोगों का नाम शामिल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म होने वाली है ये इन सभी इंटेरोगेशन से बहुत आगे होने वाली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि उस दिन यानी कि 14 जून को आखिर हुआ क्या था, जो कि शायद इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। मैं बता दूं आपको कि डायरेक्टर और जो टीम है इस फिल्म की, उन्होंने इस बात को कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि शूटिंग जल्द से जल्द पूरी हो और वो क्रिसमस तक इस साल तक ये फिल्म जो है वो रिलीज कर पाए। साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो फिल्म है उसकी शूटिंग ज्यादातर मुंबई और पंजाब में की जाएगी। देखना ये होगा कि लोग किस तरीके से इस फिल्म को अप्रिसिएट करते हैं और कितना ज्यादा प्यार दिखाते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चीज पर, ये आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में।